जितनिया उन फिल्मा बन दिया ने इंदकोतिया और छोटियां छोटियां उन्हें दे हीरो भी मतलब है कि इतने मनसेरी दे उन्हें ने ते किसी की फिल्मा में पोले भी देखे हैं बाराले बड़ी खुशी थी गाले ये पोला भी हीरो है आपने एंजी पोला भी हीरो है क्या अंतिम निशानी है पोला हीरो है उस फिल्म में तो भाई समझे भाई कह जन कौमी समझे भाई कह जन इसी आवाम को लो इन्हीं के राव बच्चों वो मेडल कैट के हाउस पे चले गए माशाल्लाह थोड़ा सोना प्रोग्राम में साड़ी दुआ है कि जितनी भी इस टीम है साथ ऐसी दुआई कर सकने हैं और जेडे इस सामने वाले हजरात हैं या पसे पुरदा ने सारे ऐसे ऐसी दुआ ए जा मामा जी ऐसा जोश और खरोश नाल बोल दे ना और मान बड़े दिला दे अपने कार भी है जोश और खरोश नाल बोल मैं ऐसे कस में असल जरा आदमी बार जोश और खरोश नाल बोले आखो जी उड़ करे नहीं सारे जी आना कसर लेकिन बड़े बड़े लोग कार जोश और खरोश नाल नहीं बोलते आला असि फिर भी करे करे बोल करे करे बोल छोड़ दे जिला ते तहसील मानसेरा दा ग्रां गाजीकोट मानसेरा शहर तो तकरीबन 2 किलोमीटर पहले शाराए रेशम दे किनारे आबाद है। ये भी हजारे दे पुराने ग्रावां विचों एक ग्रां है जिड़ा इत्थे तकरीबन 300 सालां तो आबाद है। गाजीकोट दे आर्चफेरी ग्रावां विच हड़ियाला खुशाला चकिया ते जदीद बस्ती गाजीकोट टाउनशिप शामिल हन। इस ग्रां दी आबादी तकरीबन 25,000 है ते इत्थे दे बसनीकां विच तनोली अवाण मुगल सैयद गुजर कुरेशी जदून ते सवाती कौम नाल ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हन। इत्थे दे ज़्यादातर लोकां दा ज़रिया ए मुआश जिम्मेदारी है ते कुछ लोग मुलाजमत ते कारोबार भी करदे न। दौरे हाज़र दी जदीद कॉलोनी गाजीकोट टाउनशिप इन्हां ही लोकां दीआं ज़िम्मियां ते बसाई गई जिस नाल जिम्मेदारी काफ़ी हद तक कट गई है। फिर भी लोकां कोल निक्की मोटी जिम्मेदारी अज भी मौजूद है। इन्हां जिम्मियां विच लोग कणक ते मकई पैदा करदे न ते इसका इनसार भी बारिशां ते हुंदा है। तालीम दीआं सहूलतां ना होने दे बराबर हन। जातकां वास्ते एक मिडल ते कुड़ियां वास्ते सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल इत्थे कम करदे न। सेहत दी भी कोई सहूलत मौजूद नहीं। पीने दा पानी पब्लिक हैल्थी स्कीम के जरिए अज तो तकरीबन 25 साल पहले इस ग्रां दिता गया है जिड़ा आबादी में वाधे नाल हुण जरूरत पूरियां नहीं करता। इत्थे बिजली तो मौजूद है पर वोल्टेज बू घट है जिस नाल मुकामी आबादी की कीमती चीज़ा कई बारी सड़ गई। इसी तरह सेवरेज का भी कोई निज़ाम इत्थे मौजूद नहीं। गंदगी की वजह नाल मुख्तलिफ बीमारियां फैल जुलदियां। मुकामी MPA सरदार जहूर ते MNA सरदार मुहम्मद यूसुफ को लोकां बूं शिकायत हैं कि वह इस पासे बिल्कुल तवज्जो नहीं देंदे। ग्रां गाजीकोट के बारे में होर बहुत सारिया गल्लां तुसां दसने वास्ते अज असां अपनी डेडी इसी ग्राएं विच नईम इकबाल खान की डेडी पर सजाइए ते इस डेडी का आर कीता मुहम्मद अरशद ते मुहम्मद नवाज होना। इस डेडी का पहला हिस्सा तुसां पिछले जुम्मे देखा है ते हुण पेश है इसका दूआ ते आखिरी हिस्सा। सोना चपली दा नवा सो
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तुसा कदे पिछले हफ्ते डेडी देखी होवे ते फिर तो तुसा पता होसी कि असी किथे मौजूद आ। कदे तुसा नहीं देखी जनाब ते मैं तुसा दस छोड़ा कि गाज़ीकोट ग्रां जी जिला मानसेरा दा, जिला ते तहसील मानसेरा दा बड़ा ही सोहना ग्रां है। और इस ग्रां विच असा इस डेडी दा पहला हिस्सा पिछले हफ्ते तुसा देखा होसी, पिछले जुमेले ध्याड़े तुसा से पेश कीता आ। अज दूए हिस्से नाल तुसा दी खिदमत फिर हाजिर हाँ। मेरी ओही टीम जी असी सारे मौजूद हाँ, स्वाति मामा साडा पोला, साडी कैमरा टीम, सारे लोग ओही हैं ते लोग भी ओही हैं जिन्हां नाल असी गपशप लाने आ। क्योंकि तुसा पता है कि थोड़ी जी तब्दीली की असा, वो तब्दीली है कि हर ग्राम बिच असी डेढ़ी जी करके असा उसे दो हिस्सों में पेश करसा। तो वो एक हिस्सा एक ही जुमे आले ध्याड़े, दूआ हिस्सा दुए जुमे आले ध्याड़े असी तुसे पेश करने। पहला हिस्सा तुसा पिछले जुमे देखा है, दूआ हिस्सा जी मुख्तलिफ लोगों गल आई हैं ते जनाब अज भी मुख्तलिफ लोगों गल करसा। बदर मुनीर खान इस ग्रां तलक है जी, बुजुर्ग आदमी, थोड़ी जी गल इन्हां नाल करने आ। फिर थोड़ी जी स्वाति मामे को शायरी तुसा सुनासा, फिर अगर तुसा पता है कि जावेद खान जहांगीरी पिछली डेढ़ी बच्च भी है, यानी कि पिछले जुमे भी साढ़े नाल है, अज भी साढ़े नाल उन्होंने को गीत माइए सुनासा। बदर मुनीर खान तुसा नाँ है, माशाल्लाह नाम ही बड़ा जबरदस्त है और साढ़े सूबे का बड़ा पॉपुलर नाँ है। पहले लोगों नहीं पता होंगे आ ग्राएं में बदर मुनीर ही घरे रखते तो ग्राएं आए बिगाड़ छोड़ते, एक एक्टर आए बदर मुनीर तो उस तो बाद लोग बदर मुनीर ना कहते। माशाल्लाह कितनी उम्र है? 65 साल। 65 साल उम्र है। के काम काज करते रहे हो? काम काज तो पहले सिविल सेक्रेटरीट में सर्विस की थी पेशावर। अच्छा, तो उसी बाद लकड़ दा काम बारा मशीन ही मानसरे। अच्छा अच्छा, आजकल तो थोड़ा जा हुकूमत सख्ती की दी है ना? आजकल 10 साल सी काम बंद कर छोड़े। हां हां, तो बस आजकल रफाई आमा दे काम विच। माइक मुए के रखो ना। अच्छा, रफाई आमा दे काम विच मसरूफ है। अच्छा, किसी दी खिदमत या कुछ बढ़िया ब्लैक की लकड़ियां छकने चीर के बेचना, बस वो जान बेचियां गुजर गई। उसी बाद तौबा की थी, दाढ़ी रख छुड़ी, उस वक्त मुछा सियां खड़पैंची होण सारियां। अच्छा, जिस दिया मुछा उनो खड़पैंच होंदा? हां बिल्कुल, वो होंदा दाढ़ी आजजी दी अलामत होंदी है। अच्छा अच्छा, ये बड़ी गल होंदी है कि जिसले मतलब वो आदमी कमा के आंदा है हर तरह, फिर जैसे जान सारे हो जुल दिन फिर आता है बस हुण तौबा है मेरी। तौबा तो उम्र दा कैसा है ना जी, जवानी होंदी है, पहले बचपन होंदा है, फिर जवानी होंदी है, फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा जवाल होंदा है, फिर वो तौबा दी उम्र होंदी है, उस पे जो कर के सकता। तौबा जवानी दी बड़ी मजा करदी है। उस वक्त तो होंदी है, लेकिन उस वक्त जवानी दे नशे विच होंदा आदमी, उस वेले काट लोग कर दे तौबा ना, ते करनी उसी वक्त चाहिदी है, उसी वेले तौबा करनी चाहिदी। जिस वक्त मैं दाढ़ी राही, हां जी, ते उस वक्त ते एहसास होया कि अगर मैं जवानी दी उम्र विच रास्ता कुछ और मजा होंदा है। अच्छा, असां दे अजारे विच पहले ब्लैकी मुकसन या पहले जंगल मुकसन? हां जी, लाजम मलजूम नाल नाल हैं। नाल 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 नाल। जिस तरह जंगल पैदा, जंगल में बूटे पैदा होते हैं, इस तरह नाल ब्लैकी भी जमते हैं ना? इस तरह इंसान दी वो भी ज्यादा इशारा पैदाश भी, उन्होंने जरूरियात भी ज्यादा हैं, उस दे नाल नाल कटाई है। इतनी वो जंगल दी वो नहीं मकसद है, लाना आला उतना सिलसिला नहीं जितनी कटाई है, जितनी कटाई है। और शुक्र है तुसा एहसास है। और मैं बहुत सारी बारी पहले भी गल की थी है और आज फिर गल दोहरासा कि जिस इलाके बिच सड़क चली जुलदी है उथे तरक्की शुरू हो जुलदी है, लेकिन असल में जंगलों में जिस जंगल में सड़क चली जुलदी है उथे जंगल दी कटाई तबाही शुरू हो जुलदी है। सड़क गलियात ते ओ जंगल के जिथे सड़क नहीं, ठंडियानी दे आर्च फेरी जंगल ओ बचे दे किसे सड़क नहीं, उथे सड़क नहीं। सोनल गल मेरी जारी रही सी, निकी जी ब्रेक ने, नाजरीन एक निकी जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद फिर मैं फिर हाजिर होने। साढ़े नाल रहना है जनाब। और अज असी मौजूद हाँ जिला ते तहसील मानसेरा दे ग्रां गाज़ीकोट। नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां में डेडी बिच हरकत आखना गाज़ीकोट मानसेरा बिच असां दी डेडी सजी दी है। बदर मुनीर खान बुजुर्ग आदमी नाल असीं गल करने आ ते मैं थोड़ी जी ब्रेक तो पहले गल की थी गलियात ते जंगल और कागान नारान दे जंगलां दी।
और मैं अपनी अक्खियां नाल देखें जी गलियात पे ठंडियानी दार च फेरिए जे बूटे जिन्हां दी उम्र 2000 साल 2500 साल उन्हां दी उम्र है। तुसीं कदे नौजवान हो, मैं बड़े रहा लोकां ना आखदा कदे नौजवान हो, सानूं 40 सालां तों घट उम्र है। तो एक ट्रैक आंदा है वॉकिंग ट्रैक नथिया गली तों कनके ठंडियानी तक, तकरीबन उस उत्ते तुसां दा पैदल जिहड़ा टाइम है वह 24 घंटे लग सकते हैं। उस ट्रैक उत्ते सफर करके बूटे देख सकते हो, जंगल वाले बूटिया उत्ते बोर्ड भी लाए देन कि भाई इस बूटे की इतनी उम्र है, इसकी इतनी उम्र है। ये बूटे सदियों तों इस आले इस्लाम के दौर से बूटे मौजूद हैं जी, लेकिन वह बूटे त मौजूद हैं कि उत्थे साढ़े ब्लैकीए नहीं पहुँच सके। जिथे ब्लैकीए पहुँचे उन्हें बूटे तो बूटे उन्हें पोए भी कपेन में, ठीक है ना साहब? बिल्कुल जी, ठीक है। ताईद कर सा। अच्छा, निके 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 मुस्कते भी आओ यारा, तू लगे रहे ना ये अच्छा के इस माशरे में जो एहसास पैदा हुआ ताकि प्लांटेशन की थी जुला इस इलाके की खूबसूरती दे सबसे बड़ा जड़ा सबब है ओ बूटे ही हैं, दरख्त ही हैं, और खासकर ये पाइन दे जड़े दरख्त दे दार ब्याल कायल चीड़ जी जी। ए असन दे पाकिस्तान विच और किरे भी नहीं, स्वाय असन दे हजारे दे ते स्वास दे बच्चे सच्चे, बच्चे सच्चे के काम कर देन बच्चे माशाल्लाह, एक इंजीनियर है सूदी है, डॉक्टर है यूक्रेन, एक इत्ता ला कीता है। अच्छा माशाल्लाह, एक बीसीएस दा फाइनल स्टूडेंट है माशाल्लाह। आरा बंद हो गया ना? आरा ते 15 साल सी बंद स्टॉप। चलो शुक्र है जी, बोलया क्या है ना हो? जो सी मतलब है ये हुकूमत आई है, सख्ती थोड़ी ज्यादा हो गई, मतलब मसले मसाए लोगों के ज्यादा बन गए। वो मड़ा एक मसहरा ना होता ग्राम में अच्छी मेरे बच्चे, वो पहले ब्लैकिया का काम करता सा, लकड़ी ब्लैक करता सा, अजकल मानसरे चौका बिच, मानसरे चौका बिच चूहे मार गोलियां नहीं ये बेचने का काम शुरू की देना गल है आखिर एंड चोर बोलिए नहीं आना ने। देखो जी ना इन्हों पर पाबंदी लगनी चाहिए, चूहे मार गोलियां बेचन या कुछ भी बेचन, रोजगार है ना, रोजगार कमावन, लेकिन बूटे ना कपन। एक शायर मौजूद हैं जी इसी इलाके में, स्वाति मामा तुसी भी शायर हो, लेकिन इतने भी शायर हैं जी और उन्होंने बारे में सुना, बड़ा जबरदस्त शायरी कर दें, अजीम शाद अवान इन्होंने ना है, तालीम दिशो बिना ताले के थोड़ा जहाँ उन्होंने शायरी मेरा खाले को इजाजत है इनके सुन के ना, सुन के ना, ठीक है जी। जी असन मौजूद हैं जी अजीम नाशाद अवान, क्या हाल है जी? सुना ठीक हो? ठीक हो ना? ठीक है अच्छे। अच्छा चलो, इनको जुबान दी नज़म सुनाने, इनको जुबान में जड़े हस्ते खालिस लफ्ज़ न मुक्ते जुल देन ते खालिस हम नेच चाहते ने इनको भी हां नेच लफ्ज़ इस तरह उस बजे इनको दे जुबान इंग्लिश जुबान दे लफ्ज़ वगैरह बोलना रसी फखर महसूस कर दें, असी अपने वो लफ्ज़ छोड़ दें। एक नज़म है इनको जुबान दी ते बीवी दी तड़ी, अमूमन जदों मियां बीवी लड़ जुल दें रे की तो तड़ियां वगैरह देंदे रहने इस तरह। एक नज़म है पहले खामद आखते जिड़ी जनानी डरती होवे जणा जरा थोड़ा जा माठा होंदा कमजोर माड़ा ते करंदा तकड़ा नहीं होंदा। तू नित रुसनी है ते हुण में मनावा ते ताही, तू नित रुसनी है ते हुण में मनावा ते ताही, जे तेरे नाल गल भी हुण कर जावा ते ताही। निता दे तेरा रुसना ते तेरा ए नितारा तेरा रुसना दे नित रुसना, तेरे नाल तेरे नाज नखें हुण मिठावा ते ताही। तू नित रुसनी है ते मैं हर बारी मनाना तुको, कदे हथ भी हुण तेरे नाल लावा ते ताही। शिकायतां हुण में बेबे अगा तेरियां सारियां लासां, तेरे लाले को लो भी हुण में शर्मावा ते ताही। इस ते अगो जवाब बीवी देंदी है, कलेजी बाकरी तेरे कोलो में मंगदियां ते तू डोरा बन जुलदे, जे नित तेरे हुण में छोले खावा ते ताही। बाजारा बाजारों आण के दे मकसरी उना दी कोठी, बाजारों आण के दे मकसरी उना दी कोठी, जे ओण में लंडे दी कोठी भी पावा ते ता आही। नचाया तो मको मुझ मुझ समझ के बांदरी सोनिया, तो को भी मैं बांदरा नालो नचावा ना ते ता आही। एक गौ शेर है इस तरह, आजकल अरे पुत्रा रे बारे में शेर, तंगी मुख्ती दाना कर शोर काका, तंगी मुख्ती दाना कर शोर काका, जुलनी तो पिया जुल लोर काका, तो रुपये का शेर के खा दे दे, तो रुपये का शेर के खा दे दे, मड़े नाल नाजमा जोर काका, पैर तो कबरा भी लटकाए दे, अगले जाना दा भी कर गौर काका, अजा कला दा पुत्र प्यू दा डैड है, नहीं याद कर अपना पुराना दौर काका। वाह जी वाह 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 जी। नाजरीन तुसा नज़म सुड़ी जी नाजीम नाशाद अवान कोलो, और साढ़े नाल इत्थे मौजूद हन एस डी हन जी ओहदे दे लिहाज नाल सरदार खालिद खान गंडापुर, और इस मानसरे बिच पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम करदे हन, जिस महकमे तो सब तो ज़्यादा शिकायतां ग्रामां दे लोकां हुंदियां या बबडालियां कोलो ते या इन्हां कोलो शिकायतां हुंदियां। तुसा इनको बोलनी आंदी? बिल्कुल जी, बोलक ने इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, कितने करसे तो हज़ारे पे रहंदे हो? मैं पैदा ही अबटाबाद होया जी।
जवाब नहीं चाहिए जो अफसर देने फंडा का मसला ये करप्शन पब्लिक हेल्थ बिच है और नाअली पब्लिक हेल्थ बिच दो चीजा है असल भी ये शॉर्ट कम जी लोग शॉर्ट तरीके आखते हैं कि करप्शन है तो नाअली है देखो एक स्कीम वाटर सप्लाई स्कीम जो असं डिजाइन करने तकरीबन 20 साल से उस डिजाइन पीरियड होंगे असल की आबादी दिन ब दिन बढ़ती रहती है तो वह तकरीबन हम मानसरे की एग्जाम्पल चाह कहने तो तकरीबन कोई 35 साल तो कोई खास नवी स्कीम नहीं बनी ये सोचा जो ले कि भाई नवी 20 साल पूरे वन ऑटोमेटिकली हुकूमत उसी स्कीम नवे एक नवे शुरू तौर तो शुरू करे उस वास्ते नवा फंड देवे तो मसले ये हो नहीं ना एक तो वही बिल्कुल जनरल जी गल है साफ जी गल है ना कि शे है डिजाइन ही 20 साल तो उसते 35 साल 40 साल गुजर जुलन तो उसकी वो लाइफ तो नहीं रहती ना आबादी भी तुसे बड़ी, बड़ी खूबसूरती ना सरकारी अफसर गलां दूए पासे मोड़ के खड़े दे माशाल्लाह सरकारी अफसर हो मैं जी गल करना जी करोड़ रुपए की पानी की स्कीम मंजूर हो गई है मैं सादा जा आदमी हाँ सादा जवाब दो करोड़ रुपए की पानी की स्कीम मंजूर हो गई है जिस बिच जी तुसां दी 4 इंच की स्कीम है 4 इंच के पाइप सा पाना है कोई थोड़ा जा 2 इंच का पाना है तुसी ग्राम के लोगों नाल जुल के बारगेन कर दे कि जी इतने 4 का पाने इतने 3 का पाने इतने 1 का पा छोड़ने गुजारा करो तो ये स्टैंड पोस्ट लग जुलती है उस स्कीम पर पैसे बचाए जुलते हैं मेरी गल मुकम्मल हो फिर जवाब जा दो थोड़ी जी संजीदगी जवाब दे मैं चाह सौ को जितने भी तुसा का महकमा या और दो चार महकमे CNW का महकमा जिन्होंने जिन्होंने को फंड इस्तेमाल होंगे उन्होंने अफसर का लाइफ स्टाइल उसी स्केल पर काम करने वाले दुए महकमे अफसर के लाइफ स्टाइल को दुगना तिगना होते होंगे वो करप्शन नहीं तो पैसा समाने में उभरता है कितों आता है ये हम डिपेंड करता है कि तुमने पहले लाइफ किस तरह से उस तो बाद लाइफ कि तो फिर बंदे आप नजरा जुलते कोई अगर अच्छे खानदान तो पहले तो ही ताल्लुक रखता है अगर वो लाइफ स्टाइल उस उसी तरह रहे थे मेरा इशारा सरदार खालिद खान दा नहीं मेरा इशारा पब्लिक हेल्थ ते SDO दारे उस ते ओवरसीयर दारे मेरा इशारा उन्हां दारे मेरे मेरे मैं तुसी एक एंकर दी गल करो ना पाकिस्तान में जितने एंकर काम कर दें उन्हां दी गल कर सो ते मैं जरूर आखसां जी के हालात उन के हालात नहीं मैं एक SDO दी गल पूछ देखो करप्शन हर जाई पे है एक गल नहीं कि भाई कोई करप्शन नहीं करता करप्शन हर जाई पे है पर वो फिर उस तरह ही है कि बंदे डिपेंड करता है कि बंदा किस तरह है ठीक है ते अगर इस तो उनमें तुसों क्या है उनके किसी बराबर नहीं होनी है चलो मैं गाली नहीं बराबर नहीं मैं तुसों से आसानी पैदा करना डेडी किस से देखते हो डेडी है बड़ा जबरदस्त जी मैं तो पहली बारी बिल्कुल अगर तुसों मैं सीधी गल आखा कि मैं पहली बारी आया डेडी बिच आयो डेडी बिच आया देखने भी पहली बारी सुनने भी पहली बारी है पर इंशाल्लाह इस तो बाद मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई डेडी का प्रोग्राम मिस कर रखा इंशाल्लाह चलो जी बहुत शुक्रिया लेकिन आजकल मॉडल भी सोने नहीं कद रंग लवे ना बाकी चलो सची तो सोने बहरहाल बड़ी मेहरबानी जी मोहम्मद सईद साढ़े नाल मौजूद हैं जी इसी ग्रां नाल तालक है और बड़े फखर की गल है कि KPK स्नूकर जी फेडरेशन है उसके वाइस प्रेजिडेंट हैं और इस इलाके नाल इन्हां दा तालक है स्नूकर आप भी खेड दे रहे हो या हाँ जी मैं एक हद तक बस वो खेलता रहा ऐसा लेकिन चूंकि बड़ी खूबसूरत बड़ी दिलचस्पी है मेरी इस दर में बड़ी दिलचस्पी हो गई यही वजह कि मैं हाले तक इस नाल मेरा तालक है फिर मेरी इस मबोता या उस देखते हुए हमारे असा दे सूबे दे सैयद आकल शाह साहब प्रेसिडेंट पहले वजीर भी रहे ते उन्हां नाल साडा मेल जुल हुंदा रहा ते फिर उन्हां मेरी इस अंदर दिलचस्पी देख के ते मां बाद विच फिलहाल ते इस टाइप दे ओ नहीं पहले ओ प्रेसिडेंट हुंदे ते मां अपने नाल उन्हां वाइस प्रेसिडेंट रखा सूबे दा पहले जिसले अच्छा ए इनडोर गेम्स विच बड़ी महंगी गेम है इनडोर गेम विच महंगी गेम है जी हां जी लेकिन मैं गुजारिश करसा साडे पिछले प्रोग्राम विच नवाज साहब ना
ग्राउंड के बारे भी और तुसा भी जिक्र किया है पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम है कि उसके अंदर ग्राउंड तंग हो गए और कोई आदमी जमीन देने वास्ते तैयार नहीं ते मैं शुक्रिया अदा करना मैं मौका मिला है स्पोर्ट्स के हवाले नाल मैं कोई गल अरबाब अख्तियार तक पहुँचागा ते मैं गुजारिश कर सन जी कि अगर साढ़े कोल ग्राउंड दे वास्ते वसायल नहीं जमीना नहीं ते असी अपने बच्चों गंदे माहौल को इनडोर गेम बेच इनवॉल्व करके मतलब शरीक करके बड़िया बुराइया को बचाने इस माहौल अच्छा करने की जरूरत है और इस उत्ते थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। तो दूसरी गुजारिश ये कर सा जी कि इस टाइम उत्ते दहशतगर्दी के हवाले नाल साडे मुल्क ते जिथे होर बाकी सारे बहुत सारिया गलां मसाइल का शिकार हन उत्थे सपोर्ट्स के हवाले नाल भी असी काफ़ी पिछे चले गए हाँ। एक टाइम आंदे आ आकी विच साडा तोती बोलदा आ क्रिकेट ते असी वर्ल्ड चैंपियन आ स्क्वाश ते अंदर दुनिया में साड़ा नाम रहा है स्नूकर दे चैंपियन रहे स्नूकर दे चैंपियन रहे बल्कि ये सन तकरीबन 95-96 की गल है कि इन्हें चौहान गेमां दे असीं वर्ल्ड चैंपियन हैं। वो ही दौर है कि मेरा आकुर शाह साहब नाल तालुक वास्ता होया तो उस तो बाद बेस दे नाल दिलचस्पी मेरी हो गई है। तो गुजारिश है भी जी कि इस टाइम उत्ते एक स्नूकर जा गेम है जिहड़े खिलाड़ी पाकिस्तान वास्ते खिदमात अंजाम दे दें और मुल्क का नाम पर रोशन कर दें। ये पिछले जरा वर्ल्ड कप होया उसके अंदर साड़ा आसफ जिसका तलक फैसलाबाद ना ले वर्ल्ड चैंपियन बने तो शुरू में बड़ा उस चा छा के भी फिरते रहे कुछ ऐलान शलान भी जज्बात पर कर छुड़ दें साढ़े हुक्मरान भी बाज अदारे भी कि जी असी बाद बेन इतने पैसे दे सा इतने करोड़ रुपए दे सा जेडे बाद किन्ने बड़े मुश्किल हो पाते हैं और क्योंकि स्नूकर मेरा तलक है और इन्होंने खिलाड़ियों मैं रबते भी रहना ते वो फिर इस तरह होंगे जी कि बाजुकात इन्होंने पैसे शैसे भी नहीं देते जुलते तो मैं गुजारिश कर सन जी कि अगर इतने वसायल साढ़े नहीं या मुल्की हालात की वजह ना असी अपने ग्राउंड आबाद ना कर रखते तो अगर स्नूकर के अंदर टैलेंट भी है साढ़े कोल साढ़े लड़के अच्छा परफॉर्म भी करते हैं हूँ भी अंजबा अमजा अकबर जोड़ा है उन्हें एशियन चैंपियनशिप बड़ी बड़ी असल कद वक्त हो गया बड़ी तफसील नाल गल करा मैं सारी गेमों की गल कर सारी गेमों नाल पता है कि मसला बन गया असा नाल मसला एक बन गया किसी के चार पांच पुत्र होवन तो एक हो जरा डाढ़ा जबाना का भी तेज़ हो जरा डाढ़ा भी हो सारा कुछ खस के माऊ प्यू को खा जुलता है क्रिकेट खा गया सारा कुछ क्रिकेट खा गया ये नहीं यार क्रिकेट साड़ी कौमी खेड कदे भी नहीं रही ते ना साड़ी कौमी खेड है एक वर्ल्ड कप जीते हैं असी पूरी साड़ी पाकिस्तान की तारीख में असी एक वर्ल्ड कप जीते हैं और इस तो अलावा साड़ी कारकर्दगी कुछ भी नहीं एलीट क्लास जी है वो क्रिकेट खेडती है एलीट क्लास की औलाद क्रिकेट खेडती है और उन्होंने सारा बंदोबस्त सारे फंडा का मूँह उधर मोड़ा गया आकी साड़ा कौमी खेड है और आकी अज भी तुसां दी 84 की टीम तुसां दी 80 की टीम तुसां दी 75 की टीम वो टीम दुनिया में अज भी मशहूर हैं। असल गल है कि कोई जहाँ हुक्मरान आवे कोई जहाँ हुक्मरान आवे जिहड़ा इन्हां गेमां दा भी तवज्जो देवे बड़ी मेहरबानी तुसां दी और नाज़रीन एक निक्की जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद संदी खिदमत फिर हाज़र होने अपना काम छोड़ते गलों से लग गयो कोई शायरी सुना छोड़ो मामा खुसरे वाली ना सुनाई खुदा दा वासी सुन सुन के तंग हो गई जरा अल्लाह वासी खुसरे वाली शायरी आज ना सुनाई एवे तो दसा खुसरे दे फेवरेट शायर है तू हां ओ जरा तेरे उते लगदी ना था ना मामा देखो जी मेरे भराओ वे साडियां वे डेडियां दी जान ए बुड्ढे ते जवान सारे कर दे हजारे नल प्यार वे वाह 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 हिंद को हजारे नल प्यार वे ए बोलियां दी बोली सरदार ए हिंद को ए यार कर हिंद को दे नाल प्यार वे कर अपने हजारे नल प्यार वे मैं भी अपने घराया जावा मैं भी खेटू दी डेडी करावा
ਗਰਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਵਤਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਓਏ ਡੇਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਮਿਲਾ ਪਿਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਆ ਸਾ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਬਹਿਗਾ ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਆਜਾ ਮਾਈ ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਸਵਾਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਕਰ ਹਿੰਦ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੰਡੇਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕੇ ਟੂਵੇ ਤੁਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕੇ ਟੂ ਡੇਡੀ ਸਜਾ ਸੁੱਤੇ ਪਾਗ ਜਗਾਵੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਗਮ ਦੇ ਪਛਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਟੂ ਦੇ ਨਾਵੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਯਾਰ ਲਾਇਆ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਕਰ ਹਿੰਦ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੋਕ ਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਗਏ ਲੋਕ ਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦ ਕੋ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਿੰਦ ਕੋ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰ ਹਿੰਦ ਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਫਰ ਸਵਾਤੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਵੇ ਸੁਣਦਾ ਖਲ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਓ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦ ਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਓ ਕਰ ਹਿੰਦ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਜ਼ਫਰ ਸਵਾਤੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਵੇ ਸੁਣਦਾ ਖਲ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਵੇ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦ ਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਡੇਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਕੇਟੂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਵਾਤੀ ਮਾਮਾ ਜੀ 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 ਕਰੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਾਮਾ ਇਹ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਨੇ ਤੂੰ ਟੇੜਾ ਮਰੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਆਲਾ ਆਲਾ ਕਿਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਜਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਮੇ ਲਾਨਾ ਤੇ ਮੋਹ ਇਸ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦਾ
अपनी जबान जी तुम्हारी हिंदको हो पछतो हो जिड़ी भी जबान है सराइकी बोल दो अपने बच्चों अपने लोगों अपने करीब संगियों नाल जिन्हें जबान आती है वो जबान बोलो बड़ा दिल खुश होंगे जैसे दो पछतो बोलने वाले आपे भी पछतो बोलते होंगे बड़ा दिल खुश होंगे सिंधी बोलने वाले मेरा तजर्बा जरा कराची का रहा सिंधी बोलने वाले आपे भी सिंधी बोलते हैं 80,000 वाले जिसले मिलने हैं इनको बोलने वाले असा कदे अपने शहर तो बाहर अपने इलाके तो बाहर तो असं की कोशिश होंगी है कि असी उर्दू जबान में गल करा यार लोगों ये ना पता लगे इनको बोलते हैं जनाब ये साड़ी सियाण है सियाण है उर्दू साड़ी कौमी जबान है उसा असा जरूर बोलना है उसा सीखना भी है अंग्रेजी कौमी जबान है इसमें भी सीखना है लेकिन अपनी जबान बोल सा असी तो जबान जींदी रहसी और जबान के हवाले साढ़े कुछ लफज जो मतरूक होते जुलते हैं खत्म होते जुलते हैं कुछ लफज में डेडी बच्चे इस्तेमाल करना होना इस वास्ते कि साड़ी आने वाली नस्लों पता लगे कि साड़ी जबाना के किड़े किड़े लफ्ज हैं और उन्होंने के मतलब चुआंता एक लफज है जी अजकल जो तंदूर गए उदो चुआंते भी गए तंदूर जिसले बलदा हुंदा है तंदूरे पे कंडे बलदे चलोथर बलदा है लकड़ियां बलदियां हैं जो भी बलदा है उस पे एक लकड़ होंदी जिस जिस नाल सगियां ओरे परे कीता जुलदा है खास तौर ते अंगार बन जुलदे ते उन अंगारा ओरे परे करने वास्ते या उन्हां दा सेक उते रोटियां लाने वास्ते एक चुआंता इस्तेमाल हुंदा है इतनी जी लकड़ होंदी वो अलग ही रखी रहिंदी वो काली होई रहिंदी आम तौर ते जिस आदमी दा रंग जरा जुड़ा होवे ते असीं साफ चुआंता बने दा उदों वो चुआंता दा लफ्ज चुआंते दा खत्म होंदा जुलदा है ये लफ्स जिहड़ा जहर तंदूर मुके जी हूँ तो गैस से तंदूर भी आ रहे हैं सहूलत भी आ रही हैं चुआंते भी मुके पर लफ्स करके तो शबीर दर की इशारा किया जी फूंकनी फूंकनी जिहड़ा लफ्ज भी खत्म होता जुलता है फूंकनी भी जिस तरह यह भी चुल्हे बच्चे इस्तेमाल होंगी है पहले दौर बच्च होता है कि जी नड़ी आई नड़ी की फूंकनी बढ़ाई जुलती है उसमें सुराख करके बांसें दी आई फिर आस्ते आस्ते लोहा आ गया पाइप की फूंकनी उस नाल फूंक के अग अग बाली जुलती आई वो फूंकनी का लफज जिहड़ा फूंकने की छह बस वो फूंकनी है उस नाल जान सारे काम हो जुलते लेकिन एवं ज्यादा अग अगी उसका इस्तेमाल किया जुलता है आम तौर पर जिस तरह वो आखते हैं कि मंझियां गाइया जिड़िया दवाई नहीं किंदियां या मूँह नहीं खोलदियां या घोड़े वास्ते खास तौर पर घोड़े या खोते दवा दवाई देने से एक पाइप इस्तेमाल किया जुलता है जरा बड़ा है वो आखते हैं जी कोई आदमी फूक किसी का कीमा खाया फूक मारीस तो दवाई अंदर चली जुलसी ते वो दवाई करे कोड़े पहले फूक मार कोड़े पहले फूक मार छोड़ी दवाई उधर चली गई लाखो देखो ना से इग्नो उसका कहना है उसा नला 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 लेकिन इसी बड़ा थोड़ा जा बड़ा मैं तो सा गल सुनाई ही ना देने किसी दवाई लेके लेकिन लफ्ज क्योंकि वक्त साडे कोल नहीं फिर सुन सको ये लफ्ज जी बालन बालन का लफ्ज भी खत्म होता जुलता मैं ये सारे मिलते जुलते लफ्ज इस्तेमाल इस वास्ते करना कि नाले बालन जिहड़ा जिहड़ियां लकड़ियां या बाकी चीज़ां आण के लोग बालदे उस पे गोए भी लोग इस्तेमाल करते वो भी बालन बच्चे आते लकड़ियां भी आदियाँ या कंडे भी आते जो चूल्हे बच्चे तंदूरों में इस्तेमाल होंगे वो बालन भी हूँ तकरीबन लफ्ज करता जुलता तो एक और लफ्ज है संगल का जिस असं अजकल कुंडी भी आख छोड़ने संगलां डेडी दियां संगलां किसलां आईयां एक कुंडी जिहड़ी आई इस पहले संगल आख्या जुलता है पर लफ्ज होर भी है नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा हर कदे आखने जी गाज़ीकोट की डेडी जिला मानसेरा और तुसा एक तब्दीली महसूस हुई उसी जनाब वैसे तो साढ़े सूबे बड़िया तब्दीली दल होंदियां ये जी तब्दीलियां भी होंदियां साढ़े को असा तमू लाड़ छोड़े तमू लाड़ के असी चेहरे हो ही आव सारे जिस तरह तब्दीली आले आते ना तब्दीली टिकट उन्होंने को ही है बाकी तब्दीली आ गई तो असी भी जनाब लोग हो ही बैठे हैं तंबू लाड़ा है कि मौसम बड़ा जबरदस्त हो गया थोड़ा जहा नेरा हो गया है लेकिन तुसा चढ़ भी दसना है बाकी चीज़ा भी हो वक्त है कि बारिश भी लग जुले बहरहाल साड़ी ये डेडी जा रही है जी इस डेडी बाकी लोगों गल करने स्वाति मामा थोड़ी जी शोर लगे मामी कुटती असी लगी थी मैं पूछा ऋषि दे काके दा पुत्रा फसलिया ये अंदर क्यों इंडोर गेम चलती है इंडोर गेम चलो चाहिए जनाब अली बड़ी मेहरबानी जी जनाब मलिक साहब
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਨਵਾਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਲਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸੀ ਉਸੇ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨਾ ਆਲਾ ਡੇਡੀ ਹਲਿਓ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਡੇਡੀ ਹਲਿਓ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਣੀ ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਜੈਜੇ ਵੀ ਆ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲੇ ਗੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਓ ਇਹ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਓ ਇਹ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪੇ ਤੇ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ ਆ ਕਿਸ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਜੂਣਾ ਮਰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁ ਹੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਜ਼ਮਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਜ਼ਮਾਨ ਆ ਅਸਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਏ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਓ ਜਾਣਾ ਏ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਸਾਂ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਲ ਖੈਰਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਸੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਸੀ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਛਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਮਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੰਡੀਓ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੇ ਹੀਲੇ ਦੜਨ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਮੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਆ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਦਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਇਸੀ ਡੇਡੀ ਵੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 85 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਹਰਾਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋ ਗਾਣੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਸਾਂ ਕਦੋਂ ਆਇਓ ਕਰਾਚੀਓ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕਰਾਂਚੀਓ ਮੁਲਖੇ ਆ ਕਦੋਂ ਆਇਓ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਆਦੇ ਕਰਾਂਚੀਆਂ ਜੁਲਨੇ ਆ ਤੇ ਮੁਲਖੇ ਆ ਜੁਲਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੇਟੂ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਤਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸੇ ਇਥੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਣਾ ਇਥੇ ਵੋਟ ਇਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਆਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਥੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜ਼ਾਇਦ ਚੰਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਤਰਿਆ ਤੋਂ ਖਲਤੇ ਦੇ ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਜ ਜਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਲਤੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਸੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਨ ਬਾਕੀ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਅਸਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਮਾਸੀ ਮੇ ਲੱਸੀ ਜੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕਹਿਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਦਮ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਗੀਤ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਬੈਠਕਾ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਆਸਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਪੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੇਟੂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਖਾਨ ਸਵਾਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਲਾਲ ਬਾਬਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੁਕੋ ਯਕੀਨ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇਟੂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੋ ਗਾਣੇ ਲਿਓ ਪਸ਼ਤੋ ਗਾਣੇ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਨੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਮਾਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਬਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਓ ਕੋ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਟੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਓ ਆਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
मेहरबानी जी जहांगीर साहब, बड़े अच्छे मायूस संग आए। और नाजरीन, बारिश भी हल्की हल्की लग गई है, तो यही साढ़े इलाके की सुनाई, यही खूबसूरती है कि तकरीबन घंटा पहले बेहतरीन धुप पई, तो हूँ बेहतरीन बारिश आई है। बहरहाल इस बारिशा में असं अपनी डेडियाँ जारी रख सड़े नाल जी सरदार अब्दुल रशीद मौजूद हैं जी। आज ही आखा लाज आखा हर त्रे महीने बाद टुर जुलते उमरा करने हैं, असा उस पता लगता है सिरगंज हो तो देखने आज साहब उमरा करने ही जुलते हो या कोई कारोबार शारोबार है? ना मैं तो उमरा करा जुलने लेकिन तुम जोड़ के रखते डोले पा के रखते नहीं जुल आज साहब दूसरी बार उमरे गए हो ना माते शबीर खान इंशाल्लाह जरूर खड़ता तैयारी तो करो
पैसे देसो ना बिल्कुल पैसे भी देसा नाल करसा इंशाल्लाह पूरी डेडी पे बात बिल्कुल देसा जी इंशाल्लाह चलो जी ये पैसे देसो शबीर खान तैयार बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार है एले गल उमरे दी ने कोई और नहीं ने मत तुसी कुछ और समझदे हो अच्छा वादा हो गया जी चलो अच्छी गल तुसा नाल बैठे मोहम्मद आसिफ जरा नाल गल करके ना जी मोहम्मद आसिफ खान भी श्रीकोट तो आए जी आजी अमजद दे प्राण निके ਤੁਸੀਂ ਡੇਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਿਸਤਾਂ ਬਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਨਾ 3-4 ਕਿਸਤਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸ੍ਰੀਕੋਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਲਕਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸ੍ਰੀਕੋਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤਬੂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਤਬੂਕ ਪਿਸਟ ਡੇਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਡੇਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਆਤੇ ਨੇ ਬੇਲ ਬੇਲ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਲ ਚਲੋ ਬੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਯਦ ਮਜ਼ਰੂਮ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਡੀ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਸਨ ਨਵਾਬ ਤਨਾਵਲ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਇਹ ਪੰਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੜੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆਸੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਨਕੁਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਣੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੂਬ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ ਆਸਾਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸੋ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇ2 ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਗਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸੈਯਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਟੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਸਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿਸ ਡੇਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡੇਡੀ ਦਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਅਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿਨਸਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜੀ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਬਾਈ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦ ਬਾਈ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇਡੂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ जवानी में नचते नचते रहे हो जी 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 नचते रहे हो ना जी नचते रहे हैं जी जवानी मारे ना जवानी पे मत उम्र आंदी है कुमर आंदी है उम्र आंदा है ते कुमर के काफिया मिला है उम्र आंदा ते कुमर आंदा ठीक है ठीक है जी के पैगाम देसो बस पैगाम जनाब ये है कि असि तुसे मतलब इथे आना दा ए प्रोग्राम तरतीब देना दा अरशद साहब हुंदा बेशमूल तुसते पूरी टीम दा असि शुक्रिया अदा करदे आ तो इंशाल्लाह जो मैं बच्चा तवन करसा फिर भी करसा कदे रहसा बहुत शुक्रिया जी जिब्रान मलिक सो नाल मौजूद हन जी मलिक साहब मैं तुसन भी शुक्रिया अदा करना गेटू दी पूरी टीम दा शुक्रिया अदा करना अपने गज़ीकोट विच ते पैगाम मेरा यह है कि जितने भी असी मेंबर सिलेक्ट होए हैं असी एक होके अपने ग्रां से कोई ना कुछ काम करा असी सारे एक होके मतलब जितने भी काम हैं एक होके असी इसको बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल एक होके काम कर सो ते फायदा भी उसी मोहम्मद बशारतन जी स्टेडी भी मौजूद हैं आर्टिस्ट भी हैं माशाल्लाह स्टेज और टीवी के एक्टर भी हैं और नाल कौंसलर भी बन गए के आखो वक्त हो गया तो लम्मी गल करा कोई छोटा जा पैगाम दो सारे भरावों को मेरी तरफों पहले अस्सलाम वालेकुम केटी दी पूरी टीम को मड़ी तरफों सलाम अलैकुम खास तौर पर भोले को भोले को कही है समय थोड़ा बड़े सवाल कर सौ चुप हो जाए बैठे दे नहीं हूँ टाइम नहीं रहा फकत नहीं बारिश लगी थी इस वास्ते मुकाने हैं कला हूँ चुप हो जाए बैठे दे मैं इसको गया हाँ मड़ी तरफों जेडे कौंसलर था मुंतखब हैं पांच उन्होंने को मुबारकबाद सारे ग्रां दे लोगों को जिन्हें सुन इन्हें को वोट देते हैं ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਲਾਈ ਦੋਸੀ ਗੇਟਸ ਔਰ ਸਿੰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
ਹਾਂਜੀ ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤੇ ਸਾਡੀ ਡੇੜੀ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਚਾਹਤਾਂ ਸੋ ਕੋਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਾਸ ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇਲਾਕੇ ਪੇ ਔਰ ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਸਮ ਮੇਂ ਤੁਸਾਂ ਡੇੜੀ ਕਰਾਈਏ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਨੀ ਰਾਤ ਸ਼ੁਕਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਡੇੜੀ ਦਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡੇੜੀ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੱਸੋ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਤੁਸਤੀ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਮੁੰਤਖਬ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਤਰਜੀਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੀ ਡੇੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਹਿੱਸਾ ਆ ਇਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਜੁਲਦਾ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਾਂ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਕੋਲ ਤੁਸਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡੇੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ MPNG ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਹੂਰ ਔਰ MNN ਸਾਡੇ ਵਿਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਅੱਗੇ ਖਸੂਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੋ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਮਾਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਮਲਿਕ ਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੁਛ ਤੇ